Hey guys, how's the Josh? मेरा नाम है चेतन from Gaming Josh और ये है किन साउंड का फाइनली बहुत दिन के बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद 2-in-1 USB Type-C to 3.5 प्लस चार्जर एडाप्टर। तो हमने पहले बहुत सारे USB Type-C to 3.5 वाले इस काइंड ऑफ लाल कलर के अलग अलग कलर्स के सारे एडाप्टर्स का यहाँ पर रिव्यू किया था और लाइव टेस्ट भी किया था। यहाँ पर बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज आ रही है, जन्माष्टमी है तो बाहर बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस वाले अडाप्टर का किन साउंड का, क्योंकि किन साउंड का मैंने 3.5 टू 3.5 का ड्यूअल स्प्लिट अडाप्टर भी यूज़ किया है ऑलरेडी स्ट्रीम्स के लिए और वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा इसी ब्रांड का मैं ये वाला अडाप्टर भी ट्राई करूँ। इसके क्या क्या फीचर्स है, पहली बात कॉलिंग में हेल्प करेगा, प्ले म्यूजिक में एंड चार्जिंग में। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा ये स्ट्रीमिंग में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इससे ना जो 3.5 वाला जो यहाँ पर अडाप्टर है उससे आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे लैपटॉप को। तो ये ध्यान में रखिए, बहुत लोग यही सोचते हैं कि ऐसे वाले अडाप्टर से हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे आप। तो ये रहा 2-in-1 इंटरफेस डिज़ाइन फॉर 1.5A चार्जिंग एंड टाइप सी एंड कनेक्टिंग 3.5mm ईयरफोन्स फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक एट द सेम टाइम। प्रोडक्ट इज ओनली 7 grams एंड द बिल्ट इन डिकोडिंग चिप एनेबल्स फास्ट रीडिंग ऑफ मोबाइल फोन ऑडियो डेटा थ्रू स्टेबल एंड रैपिड ट्रांसमिशन। तो ये है इसके बारे में, और वैसे मेड इन चाइना ये भी यार ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं। तो इट हैज़ अ स्मार्ट चिप, दिस इज़ नॉट रैप्ड एंड इट प्लेज म्यूजिक। तो चलो बॉक्स तो खोलूँ क्या ही मैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बॉक्स खोल दिया और ये रहा अडाप्टर, तो लाल कलर का अडाप्टर है। अब यहाँ पर हम इसको लाइव टेस्ट करने वाले हैं सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या ये सही चलता है, क्या रियल टाइम ऑडियो देता है, क्योंकि रियल टाइम ऑडियो इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू चेक आउट। अगर आप गेम्स खेल रहे हो, पबजी मोबाइल जैसा गेम खेल रहे हो, क्या आपको ऑडियो आउटपुट सही से उसी टाइम पे आ रहा है या कोई डिले है यहाँ पर, उसका हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो जैसे मैं हर बार करता हूँ, माइक के पास अपना माइक्रोफोन मतलब ईयरफोन लगा दूंगा और उसके बाद आपको सुनाऊंगा कि रियल टाइम में ऑडियो जा रहा था या नहीं। उसके साथ साथ चार्जिंग का भी एक टेस्ट दिखा दूंगा, मतलब कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग हो रहा है या नहीं ये। तो एक बात है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मैंने इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया था टाइप सी अडाप्टर को, और वो वहाँ पर कोई भी डेटा या फाइल ट्रांसफ़र में हेल्प नहीं करने वाला, ये सिर्फ चार्जिंग में ही हेल्प करेगा, वो भी 1.5A आउटपुट है तो ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगा, बट ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग मतलब ठीक ठाक चार्जिंग स्पीड्स आपको मिल जाएगी यहाँ पर। पहली बात, क्योंकि इसका शेप ऐसा है, ये क्या करेगा, हम जब भी इसको लगाएंगे ये प्रॉपरली यहाँ पर बैठेगा, तो वायर सीधा यहाँ से नहीं आता है, तो दैट इज़ इन अ वे ईजी टू हैंडल। अगर आप ऐसे इसको चलाओगे तो और बेटर रहेगा। फॉर अ 3-finger फंक्शन क्या होता है, अगर ये 3-finger है तो मैं ऐसे इसको प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरा एक टैप रहता है हर बार की तरह, तो ये इजी हो जाता है। ये अभी भी साउंड माइक्रो यहाँ से स्पीकर से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडफोन नहीं लगाए। अब आपको मैं ऑडियो इसका सुनाता हूँ, लेट मी फर्स्ट कन्फर्म इट कि ऑडियो आ रहा है या नहीं। यस, ऑडियो आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको आपको सुनाने की कोशिश करूँगा पहले। तो जैसे हम हर बार करते हैं, ये देखिए गाइस, ये मेरे लेफ्ट में है जो शूट कर रहा है, ये देखिए ये दोनों प्लेयर आर्म चला रहे हैं, तो मेरे लेफ्ट में है तो ये ईयरफोन से आपको सही से सब सुनाई देगा। तो वैसे तो सब सही है। अब मैं इसको रियल टाइम टेस्ट करता हूँ, और रियल टाइम टेस्ट के लिए हम एक गन ले जाके थोड़ा दूर जाके इसको फायर करके दिखाएंगे आपको कि रियल टाइम ऑडियो आपको आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो चलो यहाँ आ गए, अब मैं इसको लगाता हूँ माइक्रोफोन के पास एंड लेट्स ट्राई दिस। तो गाइस मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी रियल टाइम है, मैं भी एक बार अपने आप ही इसको टेस्ट कर लेता हूँ सो दैट मुझे भी एक अंदाज़ा आ जाए, पता चल जाए। यप, इट्स ऑल रियल टाइम एटलीस्ट फॉर मी एज वेल। बट हाँ, ये बात है कि हमने जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया था, जब आपने देखा कि ये जब मैंने नीचे की तरफ लगाया था, अब इसको मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसको अगर मैं यहाँ पर घुमा के लगाता हूँ, नहीं अब तो सही चल गया, तब कोई इश्यू होगा उस टाइम पे, अब तो ये मुझे माइक्रोफोन ईयरफोन में आवाज़ आ रहा है, मतलब
देर वॉज नो इशू, वैसे देर वॉज नो इशू, मैं फिर से कंफर्म करके बता सकता हूँ, कोई भी साइड इसको घुमा दो, कोई भी इशू नहीं होने वाला। अब इसका चार्जिंग टेस्ट भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस यस, इट इज़ एक्चुअली चार्जिंग राइट नाउ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इट्स चार्जिंग विदाउट एन इश्यू। तो गाइस ये रहा, जैसे अभी यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है, एक एक बार दिक्कत हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों, बट ये निकालते हैं, निकाल के इसको वापस लगाते हैं और देखते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं। हो रहा है गाइस, तो अभी भी ये चार्ज हो रहा है, ये रहा। सो सब सही चल रहा है वैसे तो, एंड मैं कहूँगा मतलब ये एक ही ऑप्शन नहीं है, और एक का मैं रिव्यू करूँगा, बट ये रहा वो बिटलोप जो अभी अभी डिलीवर हुआ है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ और मैंने बस बॉक्स से खोला, बट एक ही साथ इसको टेस्ट नहीं करने वाले, हम दोनों का कंपेरिजन अलग से करेंगे, उसका रिव्यू आ जाएगा 2-3 दिन में, आप वेट कीजिए अगर आपको वेट करना हो। और अभी के लिए कह सकता हूँ किनसाउंड वाला वैसे एज एक्सपेक्टेड वर्क तो कर रहा है, बट मुझे कनेक्टिविटी में एक दो बार इश्यू आए थे, आपके सामने आपको दिख रहा था कि मुझे घुमा के यूज़ करना पड़ा, सो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। तो ये एक बार जब मैं बिटलूप का ट्राई करूंगा तब बता पाऊंगा कि कौन सा बेटर है। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 800 रुपये के आसपास है प्राइस इसका, एंड दोनों सिर्फ चार्जिंग में ही हेल्प करेंगे, डेटा ट्रांसफर में नहीं करेंगे। तो ये था किनसाउंड 2-in-1 USB-C to 3.5 प्लस चार्जर एडाप्टर का एक लाइव टेस्ट और रिव्यू, और हमारा गिव अवे चल रहा है गाइस, पोको X2 जीत सकते हो, आप जाके चेक कर सकते हो उसका वीडियो और वहां पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए गेमिंग जोश को। कीप द जोश हाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।